हेलो एवरीवन दोस्तों, सच कड़वा तो होता है। आप इसको माने या ना माने, लेकिन कुछ चीजें हमें बुरी लग जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, शायद आप भी उनमें से एक हो जो इस वीडियो को अभी सुन रहे हो। शायद आप भी उनमें से एक हो। शायद आपने भी तैयारी 1 महीना पहले या 15 दिन पहले या हो सकता है 2 महीना पहले स्टार्ट की हो, या हो सकता है जिस दिन फॉर्म निकले उस दिन आप लोगों ने तैयारी के बारे में सोचा हो। और तैयारी करते करते जब आपने मॉक टेस्ट लिया या मॉक टेस्ट दिए तो आपका स्कोर बहुत कम आया हो, और जब ये स्कोर आप लोगों का कम आ रहा था तो आप लोगों को टेंशन भी हुई होगी, और जब टेंशन हुई तो आप लोगों ने क्या किया, इन 2 महीनों के अंदर, यानी कि मैक्सिमम मैं मान के चलता हूं अगस्त से आपने अपनी तैयारी शुरू करी, तो आपने कोर्स परचेज किए। आपने चाहे वो कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट का परचेज किया हो, किसी भी यूट्यूब चैनल का, और आपने सोचा कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। क्या सिर्फ 1 महीना, 15 दिन या कोई कोर्स 2 महीने पहले या 3 महीने पहले परचेज करके आप सोचते हो कि आपके तुरंत 70 नंबर आने लगे और आप मॉक टेस्ट में 70 से 75 स्कोर करने लगे? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट पिछले 6 महीनों से तैयारी कर रहा है वो जाके इतना स्कोर अब बना पा रहा है। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है कि स्टूडेंट आता है, तैयारी शुरू करता है जिस दिन फॉर्म निकलते हैं उस दिन या उससे भी 10 15 दिन बाद, फिर उसको अपने सारे रिश्ते नाते वो सब भी देखने होते हैं, फिर उसको लाइफ में बहुत कुछ करना होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि आप बहुत बड़े बिजी पर्सन हो, ये संसार आपसे चल रहा है, और उसके बाद आपको चाहिए कि कम मेहनत के साथ आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाए। कॉम्पिटिशन है भाई, 25 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, हो सकता है इससे ज्यादा, 20 लाख के आसपास तो 100% होने अप ही रहेंगे, इससे ज्यादा, ज्यादा ही ज्यादा रहेंगे, कम नहीं होंगे। और इतने स्टूडेंट्स में से सिर्फ 7,000 उन लोगों को सिलेक्ट करने हैं। और उसके बाद भी जब आप लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने जो टारगेट्स वाला प्लान बनाया है या उसमें जो आप लोग टारगेट्स देते हैं वो टारगेट्स आप थोड़े कम करिए, आप समझ रहे हो आपका कॉम्पिटिशन किन से है? आपका कंपटीशन उस बच्चे से है जिसने अपनी तैयारी 6 महीने पहले स्टार्ट की। सोचिए, अगर वो तब से 5 5 घंटे डेली पढ़ रहा होगा तो उस 5 5 घंटे को कवर करने के लिए आपको 10 से 12 घंटे अब पढ़ना पड़ेगा, और एक दिन भी मिस करोगे तो आप तो कहीं कंपटीशन में हो ही नहीं। इस चीज को आप ध्यान रखिए और समझने की कोशिश करें। और एक चीज और समझे, जो कोर्स आप खरीद रहे हो ना, 2 महीनों में कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होता। हो सकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करा दें, लेकिन आप उसको पढ़ोगे कब, रिवीजन कब करोगे, और आपका उससे पढ़ के सेल्फ स्टडी कब होगा? इसलिए जिन्होंने अगस्त में या फिर सितंबर में अब या फिर अब सोच रहे हो कोर्स परचेज करने का, मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास हजारों मैसेज आ रहे हैं रोज कि सर कोर्स परचेज किया था, समझ ही नहीं आ रहा, क्लास लूं, खुद पढ़ाई करूं, क्या करूं, स्कोर 20 से 30 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी भी आप लोग क्रैक नहीं कर सकते एग्जाम, क्रैक कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो, अगर आप आज कोई मॉक टेस्ट दे और उसमें 30 से 40 नंबर आप स्कोर कर लेते हैं तो अभी भी पर्याप्त समय है इस एग्जाम को क्रैक करने का। एग्जाम है, लेकिन डेडिकेशन, मेहनत, हर रोज 10 से 12 घंटे स्मार्ट वे में पढ़ाई, वो सारी चीजें अगर आप करें तो ही आपका एग्जाम क्रैक होगा। दूसरी चीज, स्टूडेंट जब मॉक टेस्ट लगाता है तो वो घबरा जाता है। शायद आप भी उनमें से एक होंगे, यार मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, पिछले 15 दिनों से 12 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा स्कोर 35 ही बना या मेरा स्कोर 45 बन गया, स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा। दोस्तों, डर स्वाभाविक है, कॉम्पिटिशन भी है, लेकिन इस पे आप कैसे, किस तरीके से विजय पा सकते हैं उसके लिए क्या करना है कि मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है। मॉक टेस्ट, अभी जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं वो सीखने के लिए है, उनसे अपनी गलतियों के बारे में सीखो कि आप क्या गलती कर रहे हैं, किस टॉपिक में आपकी गलती हुई, उस टॉपिक में सुधार करो। आने वाले 5 से 6 दिन उन टॉपिक्स को पढ़ो, तब दोबारा मॉक टेस्ट लगाओ। और इन सारी चीजों की, इस पूरी प्रक्रिया में हेल्प करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया था, जिसमें मेरे दो प्लान चल रहे हैं, एक 100 डेज वाला प्लान था, एक 75 हार्ड चैलेंज वाला प्लान था, जिसके 100 दिन वाले के तो 50 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 75 वाले के भी लगभग 21 से 22 दिन हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं कि सर एक बार थोड़ा सा आप हमारी हेल्प के लिए नई तरीके से एक बार इस तरीके से शुरू कर दो कि नई चीजें अच्छे से स्टार्ट हो जाए,
मैं करता कुछ नहीं हूं अपने प्लान में, सिर्फ टारगेट्स देता हूं। आपको भी मालूम है, पढ़ना आपको है, करना सब आपको है, जहां से भी आप पढ़े वहां से पढ़े, लेकिन मैं बताता हूं कि इस दिन ये पढ़ना है। और आज से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज शाम से क्या करूंगा कि एकदम नए तरीके से ये समझ के तैयारी कराऊंगा कि आप एकदम नए हैं और आप लोगों ने अब तैयारी शुरू की है, लेकिन बशर्ते एकदम फ्रेशर बच्चा नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत जानता हो, कंपटीशन को समझता हो, वही हमारे साथ जुड़ सकता है। जो 40 से 50 स्कोर कर रहा हो, जिसका स्कोर ना बढ़ रहा हो, वो हमारे साथ जुड़े, इस प्लान का हिस्सा बने। अभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे बता दीजिएगा, 7827034344। आपको भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको पे करने होंगे 250 रुपीज। जी हाँ, कोई चैरिटी नहीं है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं, सबको मैनेज भी करना है, सबके डाउट्स भी देखने होते हैं, सबके पर्सनल मैसेज भी आ जाते हैं, तो उनका रिप्लाई भी करना होता है। ठीक है, तो 250 रुपीज करके आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन भाई थोड़ा बहुत आपको आता हो, बिल्कुल फ्रेशर हो तो किसी काम का नहीं है। जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा, किस तरीके से मेहनत करे कि फाइनली स्कोर को टच कर जाए। इन 2 महीनों में कोई पर्सनल गाइडेंस जिसको चाहिए, जो चाहता है कि हाँ मैं इसके टच में रहूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, उस तरीके के बच्चे मुझे चाहिए, जो हार मानने के कगार पे है लेकिन हारना नहीं है, उनको पार मैं करा दूंगा। लेकिन कुछ चीजें, टारगेट्स 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा, कॉम्पिटिशन है, समझो इस बात को, मॉक टेस्ट दे के घबराना नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद सीखना है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करो अच्छे से, देखो क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को आने वाले अगले 5 दिनों में सुधार करो। मॉक टेस्ट कब कब लगाना है ये भी मैं बताऊंगा। और क्या चाहिए आपको, हर रोज टारगेट्स मैं दूंगा पढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आखिरी टाइम पे, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूं, पॉलिटी के नोट्स बना रहा हूं, 15 अक्टूबर तक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। 5 3 2 दिन मुश्किल से लगेंगे उनको पढ़ने में, और उसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा पॉलिटी का। पॉलिटी के आपके 50 में से कम 9 से 10 सवाल पॉलिटी के होंगे, मैक्सिमम 9 तो हो ही जाते हैं, 8 से 9 सवाल तो वे पॉलिटी के सवाल सारे के सारे वहां से होंगे, इतनी गारंटी लेता हूँ। तो यही तो होता है, छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों का स्कोर इंप्रूव कराएगी, आपको पेपर में सिलेक्शन मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों के लिए ग्रुप है, वहां पर जुड़ सकते हैं। लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं और आप भी हैं, कोई भी मॉक टेस्ट दे के घबराना नहीं है। फिर से याद रखो, तैयारी कोई 15, 1 महीना या 20 दिन में नहीं होती। इस समय आप लोग सिर्फ मेहनत करो, अपना बेस्ट दो। और एक चीज और देखा मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर जैसे कोई प्रेशर है, जो प्रेशर में डर से तैयारी कर रहा है उसका नहीं होता भाई। पढ़ाई का मजा लो, पढ़ते हुए मजा आने लगे, जब डेली टारगेट्स पूरे करो ना, उसको उसके बाद खुशी होनी चाहिए कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई किया, चलो ठीक है मैं पढ़ रहा हूं, कहीं ना कहीं काम तो आएगा, बेकार नहीं जाएगा। लेकिन डर है, घर में कोई प्रॉब्लम है, बहन की शादी करानी है, अगर ऐसी समस्याएं दिमाग में है पढ़ते वक्त कि मैं अकेला वारिस हूं, अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, तो सिलेक्शन नहीं होता, सच में नहीं होता, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने फेस किए ही हैं सारी चीजें। उसके लिए आपको फ्री माइंड होना पड़ेगा एकदम से, आपके मन में आलतू फालतू का कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड होना चाहिए। और बस ये होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, और ये बेस्ट दूंगा ताकि मेरा ये एग्जाम क्रैक हो, रिजल्ट कुछ भी निकले, लेकिन जिस दिन मैं इस एग्जाम में बैठूंगा मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका स्कोर भी होगा, आप एग्जाम क्रैक भी करेंगे, लेकिन प्रेशर लेके करेंगे तो आपको टेंशन होगी, और टेंशन जो है ना वो खा जाएगी आपको, ना पढ़ने देगी ना आपसे पढ़ाई होगी। तो टेंशन को तो बिल्कुल साइड में रखो, हर रोज एक प्रॉपर प्लान के साथ आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर कराने की अभी भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। छोटी मोटी वीडियोस आप देख सकते हैं, कोर्स के भरोसे बैठने वाले स्टूडेंट का अब सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको मेरी आप बात बुरी लगे तो लग सकती है, लग जाने दीजिए, अगर कोई सच्चा टीचर होगा, मैंने भी पढ़ाया है, हालांकि अब नहीं पढ़ाता पढ़ा रहा हूं, लेकिन समय मिलेगा तो फिर कभी पढ़ाऊंगा, छोटी मोटी चीजें अभी बता देता हूं, तो वो भी बता देगा कि आखिरी के जब 60 दिन भी ना बचे हो, अगर कोई बच्चा तब भी परचेज कर रहा हो, या उसने आखिरी के 80 या 100 90 दिनों के अंदर कोई कोर्स परचेज करके चाह रहा हो कि उसका सिलेक्शन हो जाए, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको सारी वीडियोस देखनी होती है, सेल्फ स्टडी करना होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, डेडिकेटेड बच्चा हो तो सब कुछ होता है, लेकिन तब चांसेस 100 में से 1 का होता है। इस चीज को समझे,
सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सच्चा दिल से टीचर होगा और बच्चों का फेवर करता है, आप उससे पूछ के देखें कि सर अब अगर कोर्स लूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो जवाब आपको मिलेंगे खुद को पहचानो, अपनी कमियों को देखो, उनमें सुधार करो, आप देखेंगे कि आपका बेस्ट होगा। ठीक है, तो घबराने की नहीं, चीज़ों से सीखने की जरूरत होती है, उन चीज़ों पर मेहनत करने की जरूरत होती है ताकि जब अगला टेस्ट दो वहां से चीजें गलत ना हो, स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। आज आप जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो शायद 22 सितंबर है और मेरा टारगेट होगा 22 सितंबर से आप लोगों का 30 सितंबर तक कम से कम 4 से 5 नंबर आप लोगों के इंक्रीज कराए जाए। और ये 4 से 5 नंबर सिर्फ इन 8 दिनों में हम इंक्रीज करेंगे, मेरा एक एक बच्चा इंक्रीज करेगा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कैसे, उसकी सारी जानकारी आप लोगों को ग्रुप पर दे दी जाएगी, ग्रुप पर आपको सारी चीजें बताई जा रही है, टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूंगा। ये मेरा नंबर है 7827034344। जो बच्चा आज से जुड़ना चाहता है, बिल्कुल नया बच्चा भी, वो भी आज से जुड़ सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ 250 रुपीज पे करने हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ और आखिरी दिन तक आप लोगों के लिए इसी चैनल पर अवेलेबल रहूंगा। जय हिंद।